कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, और खट्टा आम बता करके भाग न जाना कोए। 400 करोड़ का अगर आपको प्रति वर्ष मुनाफा हो रहा है तो क्या अब आप आम जनता को खिलाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि ऊर्जा जैसे गंभीर विषय पे आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। बिजली एक ऐसी चीज है, चाहे वो एक गरीब की झोपड़ी हो चाहे अमीर का महल, यहाँ तक कि रामलला के मंदिर में भी, अध्यक्ष जी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि बिजली विभाग के द्वारा 4000 किलोवाट तक की ज़रूरत है, और अभी फिलहाल में वहाँ पे 1600 किलोवाट तक की जो है मंदिर को भव्य बनाने के लिए आपके द्वारा सुचारू रूप से दिया जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि चाहे वो रामलला जी का मंदिर हो या एक गरीब की झोपड़ी हो, चाहे वो एक अस्पताल हो, चाहे एक गरीब हो अमीर हो किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए बिजली बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, जब भी जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पे सवाल होते हैं तो बार बार आम और बबूल की बात आ जाती, तो मैं मंत्री जी का समय न नष्ट हो और साथ ही साथ सदन का भी महत्वपूर्ण समय न नष्ट हो, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, और खट्टा आम बता करके भाग न जाना कोए। अध्यक्ष जी, बार बार आम बबूल की बात करते हैं, तो अगर आपने आम लगाया है तो आप आम बांटिए तो सही। और साथ ही साथ बिजली विभाग की कुछ परियोजनाओं की बात करूंगी, जो कि अभी मैंने देखा और अभी मंत्री जी कह भी रहे थे कि आपने थर्मल प्लांट्स और हाइड्रो प्लांट्स की बात की। घाटमपुर के यूनिट 1, 2 और 3 जिसकी आपने डेट दी कि आप 31 मार्च 2023, जुलाई 2023 और नवंबर 2023 में उसको शुरू करेंगे। ओबरा सी में यूनिट 1 और 2 की बात करें कि फरवरी 2023 और अक्टूबर 2023 में उसको शुरू करेंगे। जवाहरपुर की बात करें कि आप मार्च 2023, और बनपनकी के लिए भी आपने बोला था कि 31 अक्टूबर 2023 तक आप उसको शुरू करेंगे। हाइड्रो प्लांट्स की आपने बात करी तो आपने वहां पे कहा कि आप मार्च 2023 तक और अगस्त 2023 तक आप जो आपका सुपसीरी हाइड्रो प्लांट है उसको शुरू करेंगे, और प्रभाती को आप दिसंबर 2023 तक करेंगे। और साथ ही साथ आपने ये भी ऐलान कर दिया कि जो आपका भारत कोलिंग कोल लिमिटेड है उसकी खदान में जो कोयला है आपको महानदी कोल लिमिटेड से लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 400 करोड़ तक का फायदा हो रहा है। तो अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल है और मैं आकांक्षा करती हूँ कि जनता को और साथ ही साथ सदन में बैठे हुए प्रतिनिधियों को बड़ा ही स्पष्ट जवाब भी आएगा। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जिन जिन परियोजनाओं को कागजी रूप से आपने गिना दिया है, उनमें से कितनी आपके प्लांट सुचारू रूप से आज काम करने लगे हैं, और साथ ही साथ 400 करोड़ का अगर आपको प्रति वर्ष मुनाफा हो रहा है तो क्या अब आप आम जनता को खिलाएंगे? और जिस तरीके से चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त की पूरी जनता की, 100 यूनिट पहला जो उनके उपभोक्ता के होते हैं उनकी बिजली को माफ किया, तो क्या आप भी उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने के लिए तैयार हो चुके हैं? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आज चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो आदिवासी समाज की, दलित समाज की या पिछड़े समाज की हमारी महिलाएं हो या दिव्यांगजन, वो आपसे बड़ी उम्मीद और आस के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं कि उन्हें मुफ्त बिजली मिले, उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली की आकांक्षा है आपसे। क्या आप उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे?